तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वैसरीशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कल मैं गोप्रो लाने गया था, तो वो मैंने ला रहा है। सो आज मैं आपको इस व्लॉग में आपको वो दिखाऊँगा, उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने काम पर, तो उसके बाद और भी कुछ काम है वो आपको मैं डिटेल्स में बताऊँगा। तो पहले चलते हैं। और गाइस, अभी का व्यू कुछ ऐसा है, मैं अभी जो मौसम है वो बहुत ही कूल है, बहुत ही ऑसम है, ठंडा मौसम है अभी। गाइस, अभी मैं लाल चौक में हूँ, यहाँ खालसा स्कूल के पास। तो मुझे अभी चाडूरा जाना है कुछ काम से, फॉर्म के लिए, फॉर्म के रिगार्डिंग काम है। तो अभी मैं कज़न का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो आएगा तो चाडूरा की तरफ जाएंगे। तो आप बने रहिए। कुछ स्टॉक ख़रीदना था वैसे फॉर्म के रिगार्डिंग। सुबह मैंने आपको बोला था कि कितनी ठंडी है। वैसे हमारी साइड से वैसा मतलब ठंड का मौसम होता है, ठंड जो ब्रीजेस होती है वो ठंडी होती है हमारी साइड से। लाल चौक में तो पता ही है कि ये जल रहा होता है हमेशा। तो आप मेरे ऊपर सन देख रहे हो, ये मुझे पूरा जो है कोशिश में है, इस फिराक में है कि इसको जलाऊँ, लेकिन मैं बहुत ही चालाक हूँ, मैं पेड़ के नीचे हूँ तो मैं छुप के बैठा हूँ। आप देखिए, जो सूरज है वो इस फिराक में है कि इस शख्स को मैं जला दूं, जला के राख कर दूं, लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूँ, मैं सूरज को चकमा दे रहा हूँ अभी। लासन का ची, लासन का ची करेगा सुन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है। A few moments later. तो गाइस, हमने जो डील है वो कंप्लीट कर दी और हम घर जा रहे हैं। तो गाइस, हम अभी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं यहाँ से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे हम एक जगह जाएंगे, क्योंकि अब इस बार वो फाइनल है, वो डिले नहीं होगा इंशाल्लाह। इस बार फाइनल संडे है। और जो मैंने गोप्रो आज लाया, आज दिखाऊंगा आपको, उसके लिए मुझे कुछ गैजेट्स भी लाने हैं। मैंने वो ऑर्डर कर दिया, उसकी माइक अडाप्टर एंड उसका जो केस होता है वो इंशाल्लाह आ जाएगा, आज नहीं कुछ दिन बाद। तो अभी हम आप देखिए ऑफ रोडिंग कहाँ से हो रही है। अभी मिन्हाज भाई निकले आगे, वो तो आपको पता ही, वो मानते नहीं है व्लॉग में आना। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, ये हमारे उमर साहब है, बहुत टाइम के बाद यहाँ पे जो फॉर्म पे आए हैं। इनकी भी YouTube चैनल है, ये मोटो व्लॉगिंग करते हैं, तो प्लीज इन्हें सब्सक्राइब करें, हमें संडे को जाना है। और ये धुआं आप देख रहे हो, ये जो धुआं है ये फारूक कभी नहीं सुधरेगा। आप मैंने आपको रिसेंटली बताया कि फारूक को क्या हो गया है, तो आप देखिए फारूक यहाँ पे है बेचारा। आज मैं आपको बहुत टाइम के बाद फारूक को दिखाऊंगा सर्जरी के बाद। फारूक सलाम करो सब सबको। ये फारूक बाल बाल बच गया था, यहाँ से भाई के लिए खाना लेके गया, इसके भाई की सर्जरी थी वहाँ। भाई ठीक है, वो घर पे है अभी, ये कट के आ गया। तो भाई ठीक है अब? सच गैर ठीक, ठीक। और यहाँ से आप व्यू देखिए, माशाल्लाह आसमान का जो व्यू है वो भी माशाल्लाह क्या खूब है।
बस मैं अभी जिम से आया हूँ वर्कआउट करके, तो देखा कि बाहर एक अलग ही व्यू है, बहुत कूल व्यू आ रहा है। अब देखिए माशाल्लाह, हाँ कैमरा शायद जस्टिस नहीं कर पाएगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत फोकस कर लेते हैं। बट फिर भी आप देखिए कि बारिश के बाद जो व्यू आता है ना, मतलब जो क्लियरेंस आती है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊँ, बट बहुत बार दिखाया आपको। लेट मी इन्जॉय माई सेल्फ फर्स्ट, देन आई विल शो यू। माशाल्लाह। 2000 years later. Let me show you guys. आप व्यू देखिए माशाल्लाह, और यहाँ से आप देखिए, सुबह जैसा कि आपको पता है कि मैंने परसों GoPro लाया, तो मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सामने इस व्लॉग में उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। तो ये रहा GoPro, और यही बैठ के इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि संडे को हमें एक ट्रिप पे जाना है, बस संडे को मैं GoPro यूज़ नहीं करूँगा। संडे को मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाऊँगा फ़ोन से, कि मेरे पास माउंट है फ़ोन का। GoPro मैं इसलिए नहीं यूज़ करूँगा उस टाइम, क्योंकि मेरे पास इसके जो बाकी गैजेट्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। इसके जो एडाप्टर माइक वगैरह वो मैंने ऑर्डर कर लिए हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे। तो मुझे जाना है संडे को, तो नेक्स्ट मंथ तक वो आ जाएंगे। तो उसके बाद आगे जाके GoPro यूज़ करके फ़िलहाल मैं फ़ोन से ही वो शूट करूँगा वो व्लॉग इंशाल्लाह। तो चलिए पहले करते हैं GoPro का अनबॉक्सिंग। तो ये निकाला, ये है GoPro हमारा, GoPro Hero 10। तो जैसे भी हमें ओपन करते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पे एक चार्जर। ये जो एडाप्टर है ये मैंने ही इसमें रखा है, एडाप्टर इसके साथ नहीं आता, ये सिर्फ चार्जर मिलता है हमें इसके साथ। और इसमें कुछ माउंट्स होते हैं जो हमें हेलमेट में फिक्स करने के लिए काम आते हैं, या जो इसकी जो स्टिक होती है उसमें लगाने के काम आते हैं। बस इतना ही मिलता है इसके साथ, और आता है हमारा GoPro। आप देखिए माशाल्लाह, क्वालिटी तो इसकी बेस्ट है। मैं ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा, लेट मी शो यू। अभी बैटरी से शायद डाउन है, हाँ नहीं बैटरी है इसमें। तो अगर कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर पॉलीथीन चढ़ा है अभी, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। लेकिन फिर इसकी क्वालिटी देखिए, आप देखिए इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाऊंगा। फ़ोन में तो उतनी अच्छी नहीं आएगी, फिर भी 4K आता है इसमें, 4K जो वीडियो शूटिंग है इसकी वो 4K आती है। ये है हमारा मोहम्मद अब्दाल, आप देखिए इसमें से अबा, हाँ। तो आपने GoPro देख लिया, अब इसको बंद करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम मोटो व्लॉगिंग GoPro से करेंगे मोहम्मद अब्दाल। तो गाइस आज का व्लॉग बस इतना ही था, उम्मीद है कि आज आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो वैसे ऋषि को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फी अमान अल्लाह।